हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3D मॉडल ऑफ सोलार सिस्टम। इसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, जिससे जब आप इसे प्रोजेक्ट के लिए बनाओगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सोलार सिस्टम बनाने के लिए मैंने ये बड़ा वाला कार्डबोर्ड लिया है। आप इसकी जगह पर माउंट बोर्ड भी ले सकते हो। कार्डबोर्ड की साइज़ आप छोटी या बड़ी ले सकते हो, जितने साइज़ का आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब सबसे पहले हम इसके चारों तरफ ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर स्टिक करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर स्टिक करने से ये प्रोजेक्ट बहुत ही नीट एंड टाइडी दिखेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके ऊपर ब्लैक कलर भी कर सकते हो। तो ये देखिए, इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए स्टिक कर देना है। इसमें बीच में कोई भी बबल्स नहीं रहने चाहिए। ये बनकर तैयार हो गया है हमारे प्रोजेक्ट का बेस। अब इसके ऊपर हम सोलार सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पर 3D प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने अलग अलग साइज़ की बॉल्स ली है, जिनसे हम 3D प्लैनेट बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर छोटी से लेके बड़ी बॉल तक ली है, ताकि सारे प्लैनेट्स हम इनसे बना सकें। प्लैनेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर पूरी बॉल का यूज़ नहीं करूँगा। इन्हें हम बीच में से कट करेंगे, जिससे ये प्रोजेक्ट में बहुत ही ईजीली स्टिक हो जाएगी, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी दिखेगी। बॉल को बीच में से कट करने के लिए आप किसी भी ब्लेड या फिर कटर का यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ में आप चाहें तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, ताकि वो आपको इजीली कट करके दे दें। ये देखिए, मैंने इस बॉल को बीच में से आधा कट करके सेमी सर्कल बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने सभी प्लैनेट के साइज़ के अकॉर्डिंग बॉल्स को कट कर लिया है। अब सभी प्लैनेट्स को हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सन बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे बड़ी वाली बॉल ली है, जिसके ऊपर हम करेंगे येलो और ऑरेंज पेंट। ये देखिए, ऑरेंज और येलो कलर से कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है सन का। इसके ऊपर आप कार्डबोर्ड से कट करके रेस भी बना सकते हो, ताकि सन की बहुत ही अच्छी रेस लगे। ये देखिए, रेस लगाने के बाद सन बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम कलर करके सभी प्लैनेट्स को तैयार करेंगे। फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी। ये छोटी साइज का होता है, इसलिए मैंने छोटी वाली बॉल ली है। इसके ऊपर करेंगे ब्राउन कलर, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। इसके लिए मैं सबसे पहले ब्राउन कलर करके ऊपर से येलो कलर से पैच बना रहा हूं। अर्थ पे कलर करने के लिए हम ग्रीन और ब्लू कलर का यूज करेंगे। इससे अर्थ का बहुत ही बढ़िया रियलिस्टिक लुक आता है। नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। इसे हम पूरी तरह से मरून कलर से पेंट करेंगे। जुपिटर पे कलर करने के लिए मैं व्हाइट, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर का यूज कर रहा हूं। इसे हम इस तरह के पैटर्न में कलर करेंगे, जिससे जुपिटर बहुत ही अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। इसे मैं पूरी तरह से ब्राउन कलर से कलर कर रहा हूं और ऊपर से करेंगे ऑरेंज कलर से शेडिंग। सैटर्न की जो रिंग है, इसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। इसे भी मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूं। कलर हो जाने के बाद इस रिंग को हम प्लैनेट पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा सैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब बचे हैं दो प्लैनेट, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें कलर करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ मैंने दो छोटी साइज की बॉल ली है। यूरेनस के लिए मैं एक पे कलर कर रहा हूँ लाइट ब्लू और नेपच्यून के लिए कलर करेंगे डार्क ब्लू। तो ये देखिए, बहुत ही इजीली हमने इन दोनों प्लैनेट को भी कलर करके रेडी कर लिया है। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे सारे प्लैनेट्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं और प्रोजेक्ट के बेस पर ऑर्बिट बनाते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सेम साइज़ की ऑर्बिट की रिंग बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप प्रोजेक्ट के सेंटर में एक नेल लगा लीजिए। इसके ऊपर बांधेंगे धागा और धागे के दूसरे साइड में रखेंगे हम वाइट पेंसिल। वाइट पेंसिल से ऑर्बिट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये देखिए, बिल्कुल आसानी से आप धागे को गोल घुमाकर ऑर्बिट की रिंग बना सकते हो। हर ऑर्बिट के बीच में मैंने 3 सेंटीमीटर का गैप रखा है, जिससे प्लैनेट बहुत ही अच्छे दिखेंगे और हमारा प्रोजेक्ट नीट एंड टाइडी लगेगा। यहाँ हम टोटल 8 ऑर्बिट्स की रिंग बनाएंगे।
तो ये देखिए सभी रिंग्स बनकर रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे स्टार्स। स्टार्स को बनाने का मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छे स्टार्स बना सकते हो। इसे बनाने के लिए आप ब्रश में वाइट कलर लीजिए। अब जिस ब्रश में हमने कलर लिया है उसे दूसरी ब्रश पर इस तरह से टैप करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट पर किस तरह से वाइट पेंट स्प्रिंकल हो रहा है और कितना बढ़िया स्टार्स का इफेक्ट मिल रहा है। स्टार्स बनाने की ये टेक्निक को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। पूरे प्रोजेक्ट के बेस पर हम फैलाते हुए ये स्टार्स बनाएंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट का बेस अभी से ही कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे प्लैनेट्स। तो यहाँ सेंटर में मैंने रखा है सन, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में रखेंगे मर्क्यूरी, सेकंड पे आएगा वीनस, थर्ड पे रख दीजिए अर्थ, फोर्थ पे आएगा मार्स, फिफ्थ पे रखेंगे जुपिटर। तो यहाँ मैंने सभी प्लैनेट्स को आप देख सकते हो मैंने एक ही लाइन में नहीं रखा है, इन्हें अलग अलग रखा है जिससे बहुत ही अच्छे दिखेंगे। सिक्स्थ पे रखेंगे सैटर्न, सेवन्थ पे आएगा यूरेनस और नाइन्थ पे नेपच्यून। सोलर सिस्टम में हम थोड़ी सी डिटेल्स भी ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अर्थ के बाजू में बनाया है मून और साथ ही मैं यहाँ पर वाइट पेंट से बना रहा हूँ कॉमेट। फाइनली हम सभी प्लैनेट्स के नीचे उनके लेबल स्टिक कर देंगे। इन सभी डिटेल से हमारा प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये हमारा 3D सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ।